फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ना बोटॉक्स का कंप्लीट चीज़ कैसे होती है और किस चीज़ में इसमें कैसे कैसे फ़ायदा होता है और कैसे रिंकल्स आते हैं। देखिए, आपके सामने एक पेशेंट है जिनके कितने ज़्यादा क्रोस फीट बन रहे हैं बोटॉक्स, और जो है नोज़ पे भी उनके रिंकल्स बन रहे हैं और जो आपके फोरहेड पे भी रिंकल्स बन रहे हैं। तो ये जो सारे इम्प्रूवमेंट है, ये सारा इम्प्रूवमेंट जो है बोटॉक्स से कितना ब्यूटीफुल इंप्रूवमेंट आता है आपके सामने बिफोर आफ्टर चल रहा है। सिर्फ 50 यूनिट्स हम लोगों ने बोटॉक्स लगाया है इनके फोरहेड और इनके लिए लाइन्स के लिए, और आप देख रहे हैं इनका क्रोस फिट इतना ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट है। पेशेंट इज सो हैप्पी, और देख रहे हैं आप जो इनका फोरहेड लाइन जो बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा वो है। अब इसका जो मतलब हम लोग किस में क्या करते हैं, हम सिर्फ ओरिजिनल बोटॉक्स यूज़ करते हैं, कोई भी डुप्लीकेट बोटॉक्स नहीं, हमारे में सिर्फ ओरिजिनल बोटॉक्स यूज़ होता है। तो हम ये सबसे पहले ये बोटॉक्स का इंजेक्शन एस्पिरेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसका मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद पेशेंट को दिखाते हैं कि हमने कितना यूनिट लिया है, हमने कैसे लिया है, हमने मतलब कितना स्टेरिलिटी मेंटेन करी है, हमने कितना मतलब जो है इसका टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन करा है। सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब इंडिया में बहुत जो है डुप्लीकेट बोटॉक्स भी आते हैं, बहुत लो क्वालिटी बोटॉक्स भी आते हैं, पर हम सिर्फ ओरिजिनल बोटॉक्स यूज़ करते हैं जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर मार्किंग करते हैं यूजिंग द फेशियल एक्सप्रेशंस, पेशेंट को अलग अलग एक्सप्रेशन कराने के लिए बोलते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी मार्किंग करते हैं। जब एक बार मतलब प्रॉपर मार्किंग हो जाती है फिर हम इसमें हम लोग डालना शुरू करते हैं। मार्किंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बोटॉक्स डालना है, कितने यूनिट डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर मसल पैरल हो जाएगी, कम डालेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर इधर उधर डाल देंगे तो फिर आईब्रो को भी फॉल होने का डर रहता है। तो ये बहुत ही एक्सपर्ट चीज़ है, कभी भी बोटॉक्स किसी छोटी जगह से नहीं कराना चाहिए। और इससे पहले हम पेशेंट को एक नमिंग क्रीम भी लगाते हैं जिससे पेशेंट को ना दर्द नहीं होता, और हम हमेशा वाइब्रेटर्स यूज़ करते हैं, कोल्ड पैक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट्स कन्वीनियंस, जिससे पेशेंट का जो कम्फर्ट लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। फिर ये जब हम कर रहे हैं जो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मतलब सब जगह 1 to 2 units अप्रॉक्सीमेटली डाल रहा हूँ, डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने रिंकल हैं उस हिसाब से होता है। दोनों साइड क्रोस फीट पे इंजेक्शन मतलब डल रहे हैं, मतलब बिल्कुल प्रॉपर स्टेराइल एटमॉस्फेयर में, प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में हमारे बोटॉक्स होता है। कोई भी प्रोसीजर को लाइटली नहीं लिया जाता, चाहे वो छोटा सा इंजेक्शन है चाहे वो प्रॉपर सर्जरी है। और कितना इंजेक्शन डालना है, कौन सा कंपनी का यूज़ करना है, उसको कैसे स्टोर करना है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं फोरहेड पे डाल रहा हूँ, इसको फ्राउन लाइंस बोलते हैं, जो बेसिकली 11 लाइंस जिसको बोलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हम लोग फोरहेड रिंकल्स के ऊपर डालते हैं जो आपके के ट्रांसफर्स रिंकल्स बनते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बोटॉक्स का ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करती है कि कहाँ पे डालना है, कितना यूनिट डालना है और कैसे डालना है। और पेशेंट आराम से कंफर्टेबल है, ही इज़ लाइंग डाउन, द वाइब्रेटर्स यूज़ कर रहे हैं, इसे एक घंटा पहले हमने नमिंग क्रीम लगाया था, तो इसलिए बिल्कुल कम्फर्टेबल रहता है पेशेंट। जब ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो हम इनको जो है कोल्ड पैक लगाते हैं, जिसको फेस मास्क कोल्ड पैक बोलते हैं, एलोवेरा जेल वाला, जिसके मतलब पेशेंट और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। बस अब आपको इसके बाद पेशेंट जो है आपको बताएगा कि उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना दर्द हुआ, जो बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस है। सर, अभी आपकी बोटॉक्स हुआ तो आपको पेन वगैरह हुआ? तो कैसे चीटी करते हैं? कंफर्टेबल देख रहे हैं, ठीक है। अब आप जो आपके सामने वो ना बिफोर आफ्टर है वीडियो के लिए, पेशेंट ने बाहर से हमको ना वीडियो भेजी है ना, उसके एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं, जैसे कितने कितने ओल्ड दिख रहे हैं पुराने फेस में और अब वाले में कितने अच्छे दिख रहे हैं। मतलब पेशेंट इज़ सो हैप्पी, मतलब बाहर से वो मतलब कह रहे हैं कि हमारे रिंकल्स ख़त्म हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच, हमारे रिंकल्स ख़त्म हो गए हैं। और ये रिज़ल्ट सिर्फ 5-6 days का रिज़ल्ट है, अभी धीरे धीरे मतलब प्रॉपर हो जाता है, और मतलब जो बोटॉक्स का इफेक्ट है वो अराउंड 6 months तक रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्यूटीफुल रिजल्ट है। हमने इनका नोज़ में रिंकल नहीं डाले थे पर लेकिन आई मतलब नोज़ में बोटॉक्स नहीं डाला था पर लेकिन आईज के पास और फोरहेड में इनके सारे रिंकल्स कम्प्लीटली ख़त्म है। तो बोटॉक्स इतना प्यारा प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है 10-15 minutes का, जो आपके फेस के अपीयरेंस को एकदम चेंज कर देता है, और ये आराम से आप करवा सकते हैं, करवा के चले जाते हैं, कोई डाउन टाइम नहीं होता।